Good morning, friends. Today we are here to learn something related to prefixes. Prefix, जब भी हम लोग किसी word के साथ में add करते हैं, तो उनका एक different meaning create होता है. तो जैसे बाकी root words हम लोग workout किए हैं, जिसमें root words में हम लोगों ने Latin और Greek root word के बारे में पढ़ा, और उससे different words हम लोग create कर सकते हैं. Now The thing is, यहाँ पे हम लोग आज prefix के ऊपर work कर रहे हैं, और जो भी prefix का मतलब क्या हुआ, किसी भी words के आगे कुछ particular letters add होते हैं, और वो letters add होने से एक different meaning create हो जाता है. तो हम लोग यहाँ prefix के बारे में देखेंगे, और prefix से create करेंगे different kind of vocabularies. ठीक है, तो prefix के ऊपर work करते हुए, पहला हम लोग का जो prefix है, वो है किसी भी word के साथ में A या फिर N का add होना. कोई भी वर्ड है उसके साथ हम ए या एन को जब ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग क्या क्रिएट होता है. एक तो है नेगेटिव वे में, दैट इज नॉट, नॉट के रूप में, ठीक है, और एक है विदाउट, बिना किसी के. नॉट और विदाउट में डिफरेंस समझिए. नॉट मींस नहीं, ठीक है, विदाउट मतलब बिना किसी चीज के, तो दोनों में डिफरेंसेस है. अब यहां पे हम एग्जांपल्स देखें, जैसे यहां लिखा है ए पॉलिटिकल. पॉलिटिकल मींस हम लोग जानते हैं, पॉलिटिकल मींस जो किसी तरह के पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और ए पॉलिटिकल मींस नॉट, व्हिच इज नॉट पॉलिटिकल. ठीक है, तो इसको मीनिंग आइडेंटिफाई करने में इजी हो गया. नेक्स्ट, अब ए सोशल, सोशल मतलब हमको मालूम है सामाजिक, समाज से रिलेटेड. ए सोशल असामाजिक, यानी कि जो सोसाइटी के अगेंस्ट में है, सोशल एक्टिविटी के अगेंस्ट में. तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे देख रहे हैं ये नॉट या विदाउट का कंसेप्ट को लेके आ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो प्रीफिक्स है ये किसी भी वर्ड के आगे लगेगा, और वो है ए बी. ए बी जब भी किसी वर्ड के आगे लगता है तो उसका मतलब है अवे फ्रॉम. अवे फ्रॉम मतलब दूर, अवे मतलब दूर हो गया. कोई भी वर्ड क्रिएट हो रहा है, अवे फ्रॉम मतलब डिस्टेंस, दूर के पॉइंट ऑफ व्यू से. एबडक्शन, यानी एबडक्शन, एब जब यूज हो गया, ये रूट वर्ड यूज हुआ एब, एब का मतलब क्या है, एबडक्शन मींस किसी को आप कहीं से दूर लेके चले गए, एबडक्शन, जिसको हम किडनैप भी बोल सकते हैं. ठीक है, किसी को पता नहीं है आप लेके चले गए कहीं दूर, तो दैट इज एबडक्शन. ठीक है, उसका जनरल प्लेस से कहीं दूर लेके जाना, दैट इज एबडक्शन. एब नॉर्मल, नॉर्मल इन द सेंस कि हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, दैट इज नॉर्मल. एब नॉर्मल मींस किसी भी कॉमन एक्टिविटी से दूर, तो दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल. एबनॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी से दूर, कुछ और कर रहा है. दूर इन द सेंस इट डजंट मींस ओनली डिस्टेंस. दूर इन द सेंस यहां पे ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कॉमन चीजों से अलग, तो देयर इज ए गैप बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आते हैं, दैट इज ए डी. AD जो प्रीफिक्स है वर्ड के साथ जब ऐड होगा तो इसका मीनिंग क्या क्रिएट होगा, दैट इज टू, यानी किसी के लिए या टुवर्ड. टुवर्ड्स हम लोग बोलते हैं, टुवर्ड्स, टू या टुवर्ड्स, यानी किसी की तरफ, किसी की ओर झुकता हुआ, या किस कोई चीज के लिए. जब आप कुछ वर्क करते हैं, जब भी AD ऐड होगा किसी भी शब्द के साथ में, वर्ड के साथ में, तो उसको मीनिंग क्या क्रिएट करेगा कि उसके साथ ज्वाइन होना, टुवर्ड्स दैट, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की ओर जाना. यहां एड ज्वाइन, ज्वाइन वी नो, ज्वाइन मतलब ज्वाइनिंग, एड ज्वाइनिंग अगेन मींस एडिंग टू थिंग्स टुवर्ड्स समथिंग, कोई चीज को साथ में ज्वाइन करना, एड ज्वाइन, वी यूज इट लाइक दैट. ठीक है, नेक्स्ट एडजेसेंट, एडजेसेंट टू ईच अदर. एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या लगे हुए, ठीक है, उसको हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं. तो यहां पर हम लोग टू या टुवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ए डी को जानते हैं, दैट मीन्स किसी भी शब्द के साथ आप ए डी अगर एड कीजिएगा तो ये मीनिंग आपका क्रिएट होगा. नेक्स्ट इज फोर्थ जो प्रीफिक्स है वो है ए एन ए. ए एन ए क्या क्या चीज डिफाइन करता है. ए एन ए जब भी किसी के शब्द के साथ में एड होता है तो पहला चीज जो डिफाइन करता है वो है ऊपर, दैट इज अप. ठीक है, किसी भी शब्द के साथ आप तीन तरह का मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं ए एन के साथ में, ए एन ए के साथ में, दैट इज अप, ऊपर की ओर, बैक, पीछे की ओर. ठीक है, अगेन यानी रिपीटेड. अगेन मतलब क्या हो गया, रिपीट करना, दोबारा से. तो ये तीन डिफरेंट मीनिंग क्रिएट होगा जब भी आप ए एन ए किसी शब्द के साथ लगाएंगे. जैसे यहां एनालॉगी, एनाटॉमी, एनाग्राम,
इन सब का मीनिंग क्या है? एनालॉगी यानी कि फिर से बैक पॉइंट ऑफ व्यू से, एनाटॉमी अगेन कोई चीज को फिर से करना, और एनाग्राम कोई मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोलते हैं इसको, एनाग्राम दोबारा से संचार करना या दोबारा से किसी चीज को फिर से रिएक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है एपीओ। एपीओ जब प्रीफिक्स लगेगा किसी भी शब्द के साथ में तो इसका मीनिंग क्या होगा? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब से के रूप में हम लोग जानते हैं, किससे, कहां से, स्टार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा अवे फ्रॉम, दूर, जो कि यहां भी हम लोग एक मीनिंग देखे, दैट इज ए बी एंड ए पी ओ। ए बी अगर किसी शब्द के साथ आगे लगा है इट ऑल्सो मीन्स अवे फ्रॉम, उससे दूर। एंड ए पी ओ भी अगर किसी वर्ड के साथ में आगे लगा है तो हम लोग इसका मतलब अवे फ्रॉम या स्टार्ट से बोल सकते हैं, यानी फ्रॉम किसी के द्वारा। एपोलॉजी, आप माफी मांगते हैं, एपोलॉजी, ठीक है। तो एपोलॉजी एपीओ जो मेरा वर्ड है ये आइडेंटिफाई करता है कि हम आपसे किसी चीज के लिए, ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड हम आपसे माफी मांग रहे हैं। एपोलॉजाइज सेम थिंग, फिर से ये दोनों वर्ड एक ही तरह है, ठीक है। एपोलॉजाइज मतलब माफी के लिए, माफी मांगना। तो एपीओ जो है यहां पे एज ए प्रीफिक्स यूज हुआ है। नेक्स्ट योर लेटर इज सी ए टी ए एंड सी ए टी कैट, सी ए टी ए एंड सी ए टी। अब इसका दो डिफरेंट मीनिंग है, वन इज डाउन एंड सेकेंड इज अगेंस्ट। डाउन मीन्स नीचे की ओर, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, किसी के विपरीत, किसी के अगेंस्ट मतलब खिलाफ हम लोग वर्क करते हैं। तो सी ए टी ए एंड सी ए टी जब भी किसी वर्ड के साथ एड होगा तो हम लोग यहां पे इस तरह का मीनिंग यूज करेंगे, ठीक है। नाउ कैटेस्ट्रोफे यानी कि वापस, टर्न अराउंड वी कैन से, ठीक है। वापस सी ए टी ए हम लोग यूज किए, दैट इज टर्न अराउंड, वापस, रिटर्न। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं डाउन या अगेंस्ट, अगेंस्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू कैटेस्ट्रोफे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सेंट्रो, सी ई एन टी आर ओ और सी ई एन टी आर आई। ये दोनों जब किसी भी वर्ड के साथ एड होंगे, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या क्रिएट होगा? अराउंड, उसके चारों तरफ, या सेंटर, बीच में, यानी किसी चीज के चारों ओर या बीच से रिलेटेड। तो आप यहां बोले कंसेंट्रिक यानी सेंटर से रिलेटेड, ठीक है। एंड सेंट्रीफ्यूगल अगेन सेंटर से रिलेटेड, विच इज रिलेटेड उसके चारों तरफ सराउंडिंग के एरिया से, ठीक है। तो यहां पे फिर से हम लोग देख लें दिस सेवन प्रीफिक्सेस क्या क्या है। फर्स्ट इज ए और एन, जिसका मीनिंग क्रिएट होता है नॉट या विदाउट। नॉट मतलब नेगेटिव एंड विदाउट मतलब बिना किसी चीज के। ए बी जो मेरा प्रीफिक्स है किसी भी वर्ड के साथ जब एड होगा तो वी विल क्रिएट अवे फ्रॉम, ठीक है, यानी दूर, किसी चीज से दूर के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। ए डी किसी भी मेरा वर्ड के साथ एड होता है, पहले लगता है, प्रीफिक्स मतलब पहले लगना, तो टू या टुवर्ड्स, किसी और डायरेक्शन में, किसी की तरफ बढ़ते हुए या कोई चीज के लिए। देन ए एन ए जो वर्ड है ये अगर एड होता है किसी भी चीज के साथ में तो इट मीन्स अप, थ्री डिफरेंट मीनिंग, ऊपर की ओर, बैक यानी पीछे, एंड अगेन यानी रिपीटेड। ए पी ओ जब किसी भी वर्ड के साथ एड होगा इट विल क्रिएट मीनिंग लाइक फ्रॉम, से के रूप में, स्टार्ट, अवे फ्रॉम यानी किसी चीज से दूर ले जाने के लिए। सी ए टी ए एंड सी ए टी ये जब दो वर्ड यूज होंगे एज ए प्रीफिक्स किसी भी लेटर के साथ में, किसी भी वर्ड के साथ में, डाउन नीचे, अगेंस्ट मीन्स किसी के खिलाफ, एंड सेंट्रो या सेंट्री जब भी किसी वर्ड के साथ एड होगा इट विल क्रिएट मीनिंग लाइक अराउंड, उसके मतलब उस सेंटर के चारों ओर से, ठीक है, या बीच से चार आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग और भी वर्ड्स अभी देखेंगे इसके बाद। सो फ्रेंड्स, यहां हम लोग बाकी जितना प्रीफिक्सेस है उसको लेकर के आए हैं, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस फिर हम लोग वन बाय वन देखेंगे कैसे मीनिंग को चेंज करते हैं। नाउ अगेन दिस एट्थ वन इज COM, COM कॉम और CON कॉम। COM अगर किसी भी वर्ड के साथ में आप आगे में अगर COM लगा लेते हैं या CON लगा लेते हैं तो मीनिंग क्या इससे आइडेंटिफाई होगा? साथ में, यानी विद, साथ में, टुगेदर, ठीक है, साथ में होगा या एक साथ। जैसे आप बोले कॉम्यूनल, एक साथ, कनेक्ट, एक साथ, इन सब का मीनिंग क्या निकला?
एक साथ जोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आपको COM या CON एज ए वर्ड दिखे किसी भी वर्ड के साथ में ये ऐड हो रहा है लेटर्स, तो इन दैट केस उसका मीनिंग आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा मीन्स मीनिंग क्या हुआ इसका क्रिएट, अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट, किसी के विपरीत या किसी के खिलाफ। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी पॉइंट के अगेंस्ट आप कुछ बोल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, किसी के पॉइंट को काट रहे हैं। कॉन्ट्रावेन सेम मीनिंग, बीच में इंटरप्शन, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या यूज किए, अगेंस्ट, CONTRA, किसी भी वर्ड के साथ अगर एड हो जाता है CONTRA, जैसे ये CONTRA, तो इसके साथ हम लोग अगेंस्ट मीनिंग को क्रिएट करते हैं। टेंथ इज योर डीई, डीई जब भी किसी वर्ड के साथ अगर एड होगा तो उसका मीनिंग क्या है, डाउन नीचे या अवे दूर, डाउन के रूप में या दूर के रूप में। अब हम यहां फर्स्ट एग्जांपल देखें, डिसेंट या डिसेंट हम लोग बोलते हैं, यानी कि अच्छे के रूप में आइडेंटिफाई होता है। डाउन जो डाउन टू अर्थ है, ही इज अ डिसेंट पर्सन हम लोग बोलते हैं, दैट मीन्स डाउन टू अर्थ, ठीक है। देन डिजेक्ट, किसी भी चीज को रिजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अवे दूर लेके जाना, डिजेक्ट, ठीक है। नाउ डाया, 11 इज डी आई ए और डी आई, ये भी जब आप किसी वर्ड के साथ में ऐड करेंगे तो इट मींस थ्रू, यानी किसी के बीच से, किसी के पास से क्रॉस होना, यानी इस पार से उस पार जाना, अक्रॉस मतलब इस पार से उस पार या उस पार, अचानक किसी से मिलना, इस तरह का वर्ड हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं मीनिंग में। थ्रू, कोई चीज को बारीकी से पढ़ना या जानना, उसके लिए भी थ्रू, ठीक है। तो डायमीटर यानी एक एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए डायमीटर, उसके थ्रू जा रहे हैं। डिवीजन यानी आपको छोटा छोटा करना है, दैट मीन्स उसके थ्रू आप पास होंगे, डिवाइड करेंगे, दैट इज डिवीजन, ठीक है। तो अक्रॉस किसी के बीच से या किसी के थ्रू पास होना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डी आई ए और डी आई, दोनों भी अगर किसी लेटर के साथ ऐड होगा तो। नेक्स्ट इज डी आई एस, डी आई एस मीन्स अपार्ट, अलग करना या नहीं होना, अपार्ट मीन्स अलग करना। डिस्कॉर्ड या डिसकंफर्ट, इसका मतलब क्या है, जैसे आप कंफर्ट बोले उससे अलग हो जाना, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिफाई किए अपार्ट होना या अलग होना, ठीक है। डिस्कॉर्ड होना, किसी के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाना, प्रॉपरली अलग हो जाना, तो अपार्ट या नॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डी आई एस जो लेटर है इसको किसी भी वर्ड के साथ ऐड करेंगे एज ए प्रीफिक्स, तो ये मीनिंग आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। देन इज डी वाई एस, डी वाई एस जब किसी वर्ड के साथ होगा तो उसका मतलब बीमारी से रिलेटेड है, मुश्किल से रिलेटेड है, डिफिकल्ट, बैड से रिलेटेड है, दैट इज सिचुएशन, कोई चीज खराब या गलत, बीमारी, मुश्किल या सिचुएशन, ठीक है, खराब या अच्छा के रूप में, खराब के रूप में। डिसफंक्शनल, कोई काम करना कोई चीज बंद कर देगा, तो दैट इज डिसफंक्शनल, डी वाई एस। डिसेंट्री इज ए काइंड ऑफ डिजीज ऑल्सो, वी नो दैट, ठीक है, तो प्रॉपरली कोई चीज नहीं काम करता है तो वी से डिसेंट्री। देन 14th इज योर ई, सिंगल लेटर, दैट इज ई। ई अगर आपके साथ किसी वर्ड के साथ एड होता है तो आउट ऑफ, उससे हम लोग कुछ निकाले, आउट ऑफ मतलब किसी चीज से कोई चीज को निकालना, आउट ऑफ। देन फ्रॉम, अगेन किसी से या किसी चीज से कोई चीज को निकालना, तो इलेक्ट यानी, इलेक्ट मतलब हम लोग जान रहे हैं सेलेक्ट, किसी को चुनना, दैट इज इलेक्ट। एंड इजेक्ट मतलब किसी चीज को बाहर निकालना, आप देखे होंगे आपके पास सीपीयू है, आप जैसे ही प्रेस करते हैं इजेक्ट वहां लिखा रहता है, प्रेस किए तो आपका सीडी जो है कंपैक्ट डिस्क बाहर आ जाता है, दैट इज इजेक्ट, ठीक है, बाहर आना। देन नेक्स्ट योर लेटर इज आई एल, आई एल मीन्स नॉट, नहीं या गलत के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट द एग्जाम्पल इज इलीगल, इलीगल मतलब गलत, लीगल मतलब सही, तो इलीगल मीन्स नेक्स्ट के रूप में यानी नहीं के रूप में, इलीगल गलत के रूप में। इजिटिमेट, ठीक है, इलीजिटिमेट, इसका मतलब होता है लीजिटिमेट, हम लोग बोलते हैं कोई चीज को आइडेंटिफाई कर लेना, कोई चीज को जब नहीं आइडेंटिफाई करते हैं तो इलीजिटिमेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे फिर से हम लोग वर्ड्स देख लें क्या क्या है प्रीफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क
कॉम या कॉन का मीनिंग हो गया विथ या टुगेदर. जब भी किसी आप वर्ड के साथ ऐड करेंगे तो ये विथ या टुगेदर को आइडेंटिफाई करेगा मीनिंग में. सी ओ एन टी आर ए कॉन्ट्रा, ये क्या अगेंस्ट के रूप में आइडेंटिफाई होगा मीनिंग में. डीई अगर किसी वर्ड के साथ ऐड होगा तो वो क्या डिफाइन करेगा, डाउन यानी नीचे या दूरी के रूप में. डी आई ए और डी आई अगर किसी वर्ड के साथ ऐड होगा तो थ्रू या फिर अक्रॉस, कोई चीज को प्रॉपरली देखना. डी आई एस जब किसी वर्ड के साथ ऐड होगा तो इट इज अपार्ट, अलग होना या नहीं होना साथ में, इसको डिफाइन करेंगे. देन डी वाई एस, इसका थ्री डिफरेंट मीनिंग है. दैट इज अगर कोई भी वर्ड के साथ ऐड होता है इट क्रिएट्स आई डबल एल, दैट मीन्स बीमारी से रिलेटेड, डिफिकल्टी मुश्किल से रिलेटेड, एंड बैड दैट इज गलत, कोई चीज बुरा हो रहा है. देन ई सिंगल वर्ड, सिंगल लेटर है यहाँ ई. ई को अगर आइडेंटिफाई करेंगे किसी वर्ड के साथ ऐड करेंगे तो आउट ऑफ की चीज से बाहर निकालना, ठीक है, खास करके बाहर निकालने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, लाइक इलेक्ट और रिजेक्ट. देन आई एल, ये जो लेटर है इसको अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे किसी वर्ड के साथ तो इसका मीनिंग नॉट के रूप में होता है, नहीं के, यानी गलत के रूप में या नहीं के रूप में. इलीगल, इलीजिटिमेट, तो ये सब आइडेंटिफाई हुए वर्ड्स आपके. इसको फिर समझिए, जब भी आप प्रीफिक्स या रूट वर्ड किसी वर्ड के साथ ऐड करते हैं दैट मीन्स उसका एक डिफरेंट मीनिंग क्रिएट होता है और वो आपको हेल्प करेगा कभी भी आप एग्जाम में किसी भी तरह का वोकैबुलरी या कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने में. ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.